कल हमने पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कुछ एड्स होते हैं विच हेल्प इन इंटरप्रिटेशन, मीनिंग देर आर सर्टन थिंग्स विच हेल्प टू इंटरप्रेट द लॉ। और ये एड्स दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, राइट? अच्छा, इंटरनल मैंने आपको बताया था, इंटरनल जो एड्स होते हैं वो लॉ के अंदर है या लॉ से बाहर है, वेयर दे आर, कहाँ है वो? जो इंटरनल एड्स होते हैं वो लॉ के अंदर हैं या बाहर हैं? अंदर लॉ के अंदर है, करेक्ट। तो जो लॉ के अंदर हेल्प करता है आपको, जैसे कि डेफिनेशंस, जो आपके डेफिनेशंस होती हैं, क्या वो कभी कभी लॉ के अंदर होता है? यस। तो उसको हम लोग कौन सा एड बोलेंगे? इंटरनल एड। एक्सप्लेनेशन होते हैं, इलस्ट्रेशंस होते हैं, मार्जिन नोट्स होते हैं, प्रोविजोस होते हैं, और लॉन्ग टाइटल होता है, शॉर्ट टाइटल होता है, और सेक्शन के हेडिंग्स होती हैं, चैप्टर्स की हेडिंग्स होती हैं। ये सारे के सारे, ये जो चीजें हैं, ये हेल्प करता है आपको लॉ को पढ़ने में। तो ये सारे के सारे प्रियम्बल हो गया। तो ये सारे के सारे इंटरनल एड्स हो गए, एक्सटर्नल एड्स हो गए, कौन से एड हो गए ये बताओ जल्दी से, कौन से एड हो गए? इंटरनल हेड्स ये इंटरनल एड्स हो गए, करेक्ट, जो आपको इंटरनली हेल्प करते हैं टू रीड द लॉ या टू इंटरप्रेट द लॉ, करेक्ट। अच्छा, आज हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है आज हम लोग को? आज जिस चैप्टर को हमें खत्म करना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा क्या? एक्सटर्नल एड। अच्छा, व्हाट डू यू एक्सटर्नल एड, नाम सजेस्ट कर रहा है, नाम सजेस्ट कर रहा है एक्सटर्नल एड। ये कहाँ पे है? ये लॉ के अंदर है, लॉ से बाहर है? कहाँ है ये? एक्ट के अंदर है, एक्ट से बाहर है? से ये एक्ट से बाहर है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या कभी कभी कुछ चीजों को लॉ कोर्ट डिफाइन करता है? आर देयर एनीथिंग विच इज डिफाइंड बाय द कोर्ट? कि कोर्ट डिफाइन करता है, क्योंकि डेफिनेशन क्लियर नहीं थी एक्ट के अंदर, तो कोर्ट इज क्लैरिफाइंग द डेफिनेशन। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है? होता है सर। ऐसा होता है। तो ये कौन सा एड हुआ? मतलब कोर्ट अगर एक्सप्लेन कर रहा है लॉ को, या कोर्ट हेल्प कर रहा है टू इंटरप्रेट द लॉ, तो कौन सा एड हुआ? इंटरनल एड हुआ या एक्सटर्नल एड हुआ? एक्सटर्नल एक्सटर्नल एड हुआ। अच्छा, एक्सटर्नल क्यों हुआ? क्योंकि ये इससे बाहर है, एक्ट से बाहर है, तो ये कौन सा एड हो जाएगा? एक्सटर्नल एड, करेक्ट। अच्छा, तो एक बार देखिए, एक बार मैं यहां से पढ़ता हूँ, फिर आपको लिखवा दूंगा। तो सबसे पहला आता है हिस्टोरिकल सेटिंग। अच्छा, एक बात बताओ, जब भी एक लॉ बनता है तो क्या उसकी पूरी एक हिस्ट्री बनती है? कि मतलब क्या कोई लिखा जाता है कि पहले क्या था, क्या दिक्कतें आ रही थी, क्या सोचा लोगों ने, और कैसे इसको खत्म किया जाए, कैसा मीनिंग, मतलब आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि जब भी एक लॉ बनता है तो क्या पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन बनती होगी कि पहले क्या था, फिर क्या हुआ, फिर क्या सोचा, फिर क्या लॉ बना, इससे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? तो कोई ना कोई, कहीं ना कहीं क्या इसको रिकॉर्ड करता होगा? मतलब डू यू थिंक ऑल दीज थिंग्स गेट रिकॉर्डेड समवेयर, या फिर ये यस रिकॉर्ड सर, नहीं होती होंगी? होती होगी सर। होती होंगी। तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल सेटिंग। अच्छा, अगर जैसे आप गूगल पे भी डाल देंगे, वाई जीएसटी एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, तो कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ हिस्ट्री जरूर आ जाएगी कि यार ऐसा था, वैसा था, पहले ये था, पहले वो था। अच्छा, ये तो जीएसटी, पूरा जीएसटी का आगे वर्ल्ड की बात करने लग गई है। तो वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, करेक्ट, इंडिया में क्यों आया? अच्छा, ये आ गया, कोई बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो बता देंगी ये रहा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, पूरा हिस्ट्री लिखा होगा इसके अंदर, क्या है क्या नहीं है। तो ये जीएसटी के वेबसाइट है, gstcouncil.gov.in, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि जिनेसिस, मतलब क्या हुआ समरी में, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जीएसटी एंड सेंटर फाइनेंशियल रिलेशन, सेलियंट फीचर ऑफ जीएसटी, उसके बाद मतलब बहुत कुछ लिखा होगा। अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे, मतलब अगर ऐसे अंदर जाके देखेंगे, जीएसटी का ओवरव्यू ऑफ जीएसटी देखेंगे, तो ये सब क्या है? मतलब ये लॉ का पार्ट है या लॉ का पार्ट नहीं है? ये जो मैं आपको दिखाया, ये लॉ का पार्ट है या दे आर नॉट द पार्ट ऑफ लॉ? पार्ट जैसे ऑफ जैसे ये पीपीटी बनी थी, 1 मई 2017 को बना था ये पीपीटी, बहुत पुराना पीपीटी बना हुआ है, 43 पेजेस का प्रेजेंटेशन। ये तो ये बेनिफिट्स दे रखा है, वाई वाई जीएसटी, उसके बेनिफिट्स एग्जिस्टिंग। तो क्या ये संभाल के रखती है मिनिस्ट्री, या ये सब नहीं संभाल के रखती है मिनिस्ट्री? ये सब संभाल के रखा हुआ है। आप देखो, जीएसटी काउंसिल की एक वेबसाइट है, उसी पे सारा इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। ये पीपीटी ऑन जीएसटी आ गया, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, उसका इंट्रोडक्शन जब हुआ होगा, क्या हुआ होगा,
थोड़ा बहुत बता रखा है, 10 साल लगे उसको बनाने में, 30 सब कमिटीज बनी और 18,000 मैन आवर्स लगे, डिस्कशन हुआ। अच्छा, ये जो 18,000 लोगों का डिस्कशन हुआ होगा तो क्या इसका भी पूरे वो बनी होगी, क्या कहते हैं, मिनट्स बने होंगे इसके? हाँ, इसके मिनट्स बने होंगे, पूरा मिनट्स बना होगा कि क्या क्या हर एक मीटिंग में डिसाइड हुआ। फिर 14 ईसी मीटिंग्स हुई 10 साल के अंदर, 13 जीएसटी सी मीटिंग्स हुई 6 मंथ्स के अंदर, 175 ऑफिसर इन्वॉल्व थे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ा, लॉ को अप्रूव कराना पड़ा। तो ये सब चीजें, अंडरस्टैंडिंग जीएसटी पहले क्या था, फिर क्या हुआ, कौन नहीं आता कमेटी में, काउंसिल में चेयरमैन कौन था, यूनियन के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो चेयरमैन बने, उन्होंने इसको देख रेख करा, वाइस चेयरमैन ये बने, एमओएस फाइनेंस में देखा टोटल मेंबर कितने थे, उसमें से सेंट्रल कितने थे, सेंट्रल के स्टेट के कितने थे, डिसीजन कैसे लिया जाएगा, 75% लिया जाएगा, ये सारा, मतलब ये जो एवरी थिंग इज इट, अच्छा ये लॉ का पार्ट है या दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ लॉ, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इज इज अ पार्ट ऑफ लॉ या नॉट अ पार्ट ऑफ लॉ, ये एक्ट का पार्ट है या एक्ट का पार्ट नहीं है? क्या रुचिका, मैंने सुना नहीं, क्या बोला आपने, ये एक्ट का पार्ट है? बाकी लोग क्या कहते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इज दिस एन एक्ट विच यू आर रीडिंग, कि 18,000 मैन आवर्स लगे, 30 सब कमिटीज बनी, उसकी मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ, इज दिस द पार्ट ऑफ लॉ, एक्ट के अंदर लिखा हुआ है सब चीजें? नहीं सर, ये बाहर है। हाँ, ये सब, दीज आर नॉट इन द पार्ट ऑफ एक्ट, ये सब बाहर लिखा हुआ है, ये जो हिस्ट्री मेकिंग है, क्यों बना, कैसे बना, वो सब लिखा हुआ है ये। तो ये इंटरनल हुआ, ये एक्सटर्नल हो गया? तो क्या माना जाएगा, इंटरनल या एक्सटर्नल? External. इसको एक्सटर्नल माना जाएगा बेटा, आपको क्लियर होना। तो पहला पॉइंट क्या आ गया एक्सटर्नल का, हिस्टोरिकल सेटिंग। हिस्टोरिकल सेटिंग मीनिंग जो भी हुआ होता है ना, मतलब जब लॉ बन रहा होता है तो वो कैसे बना, कैसे शुरू हुआ, मीटिंग्स कितनी हुई, मीटिंग में क्या डिस्कशन हुई, वो सब रिकॉर्ड किया था, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। अच्छा, पार्लियामेंट में जब इसका बिल पास हुआ होगा तो उस समय क्या डिस्कशन हुई, क्या वो भी रिकॉर्ड होगा, क्या वो सब रिकॉर्ड होगा? मतलब जब आप मुझे पता नहीं आपने देखा होता है नहीं देखा होगा, लोकसभा का टीवी आता है तो उसमें क्या होता है, जब भी लोकसभा में कोई बिल प्रेजेंट होता है तो उसमें डिस्कशन होती है, तो क्या डिस्कशन होती है, तो हम देख सकते हैं उसको अपने टीवी पे, तो ये सब रिकॉर्ड होता होगा या रिकॉर्ड नहीं होता होगा? होता होगा सर, ये सब रिकॉर्ड होता होगा। अच्छा, एक बात बताओ, क्या इनको सुनकर, इनको समझ, इनको देख के क्या आप लॉ को ज्यादा बेटर इंटरप्रेट कर पाओगे या पढ़ के ज्यादा बेटर इंटरप्रेट कर पाओगे? अच्छा, आप अगर देखोगे डिबेट देखोगे इनके, कि क्योंकि डिबेट इन द सेंस, क्योंकि कुछ लोग हैं जो फेवर में होंगे, जो कुछ अगेंस्ट में होंगे, तो डिबेट करते होंगे, नहीं ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो ये सब सुन के तो उल्टा आपको और नॉलेज होगा कि लॉ क्या है, पढ़ा क्यों बना, कैसा बना, ऐसा वैसा। तो ये सब हिस्टोरिकल सेटिंग किसका पार्ट हुआ, ये आपका इंटरनल एड हुआ या एक्सटर्नल एड हुआ आपको, जो मदद कर रहा है पढ़ने में लॉ को? एक्सटर्नल एड, करेक्ट। अच्छा, अब जैसे कंपनीज एक्ट 1956 है, अब ये लॉ है या लॉ नहीं है? ये कंपनीज एक्ट 1956 अभी लॉ है या अभी लॉ नहीं है? अब नहीं है, 2013 है। हाँ, अब वो प्रीवियस लॉ है, वो लॉ नहीं है, वो प्रीवियस लॉ है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं बात करूं तो आज कंपनीज एक्ट का, कंपनीज के रिलेटेड लॉ क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है प्रेजेंट लॉ रिलेटेड टू द कंपनीज, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन आपसे पूछा प्रीवियस लॉ कौन था, तो आप बोलोगे 1956। तो ये जो प्रीवियस लॉ है ये आज, अच्छा क्या प्रीवियस लॉ पढ़ के भी आप आज के लॉ को समझ सकते हो? मतलब जैसे आप देखो कि जब मैंने पढ़ा था, मैंने अपने टाइम पे 1956 पढ़ा था, 2013 तो मैंने अपने टाइम पे नहीं पढ़ा, मतलब सीए के टाइम पे मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि ये आया 2013 में, क्वालिफाइड इन 2010, तो आई नेवर रेड द कंपनीज एक्ट 2013 बिफोर, तो मैंने पढ़ा भी नहीं था। तो मेरा कहने का मीनिंग है कि मैंने कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ा, तो अगर मैंने पुराना पढ़ रखा था तो मुझे नया पढ़ने में दिक्कत आया होगा या मैं ज्यादा जल्दी समझ गया होगा नए वाले की? ज्यादा जल्दी समझ गया। अच्छा, ज्यादा अच्छे समझ में आ गया मुझे। अच्छा, क्या मुझे जैसे जीएसटी एक्ट आया, तो जीएसटी एक्ट जैसे पहले एक्साइज था, वैट था, मैंने वो सब पढ़ा था, क्योंकि आपको पता जीएसटी एक्ट 2017 में आया, तो चलो आप लोगों ने तो पढ़ा, उससे पहले तो किसी ने पढ़, सबने एक्साइज पढ़ा, वैट पढ़ा, सीएसटी पढ़ा, पता नहीं क्या क्या पढ़ा होगा। तो ये जो लोग, जो सब लोगों ने पढ़ा, तो इनके लिए जीएसटी पढ़ना इजी है या इनके लिए जीएसटी पढ़ना मुश्किल है, क्या लगता है आपको? थोड़ा मुश्किल है।
थोड़ा मुश्किल है भाई सर, क्योंकि मतलब जो एक्साइज टैक्स था और जो जीएसटी बिल्कुल डिफरेंट टैक्स तरीके से। क्या डिफरेंस है आप मुझे बताओ, एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग पे लग रहा है, जीएसटी मैन्युफैक्चरिंग पे लग रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द एक्साइज एंड द जीएसटी? सर कुछ तो डिफरेंस होगा तभी तो जीएसटी एक्ट आया है। देखो जीएसटी एक्ट आने का जो मेन बेसिक पर्पस था वो यही था कि इंटर टैक्सेशन बेनिफिट्स नहीं थे। इंटर टैक्सेशन बेनिफिट इन द सेंस होता है कि जैसे आपको जब आपने जीएसटी क्रेडिट सुना होगा, तो पहले अगर वैट पे होता था, एक्साइज पे होता था, तो उसका मुझे वैट का एक्साइज बेनिफिट नहीं मिलता था, एक्साइज का वैट बेनिफिट नहीं मिलता था। तुम्हें समझ में आया मैंने क्या बोला? मतलब अगर मैंने लेट्स सपोज करो पे करा वैट, मतलब मैंने अपने परचेजर को सॉरी मैंने अपने सेलर को जिनसे मैं सामान खरीदा उसको वैट पे करा और गवर्नमेंट ने मेरे से एक्साइज मांगा, तो क्या वो जो मैंने वैट पे कर रखा उसको मुझे बेनिफिट मिलता था? मुझे बेनिफिट नहीं मिलता था, नहीं मिलता था। देखो ना आप ध्यान से समझो, मैंने अपने सेलर को मैं परचेजर मैंने जब सामान खरीदा तो मैंने अपने सेलर को वैट पे कर दिया, फिर मैंने उसको गुड्स में कुछ चेंज करे तो एक्साइज मांगा मेरे को मेरे से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे एक्साइज पे करते समय जो मैंने वैट पे कर दिया का उसका बेनिफिट मुझे देता था या मुझे नहीं देता था? देता था सर। नहीं देता था बेटा, वो कहता था वैट का बेनिफिट वैट में, एक्साइज का बेनिफिट एक्साइज में। वो इंटर क्रेडिट अलाउड ही नहीं करता था, मतलब ऐसा अलाउ ही नहीं करता था कि एक्साइज का बेनिफिट आप लोग वैट में या वैट का बेनिफिट लो एक्साइज में, अलाउड ही नहीं करता था, वो था ही नहीं। तो ये सही था या गलत था? गलत था क्योंकि है तो दोनों इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अब वैट और एक्साइज को हटा के एक ही टैक्स लग गया, क्या टैक्स बना दिया? GST। अब मैंने परचेज जब मैंने खरीदा सेलर से तो उससे मेरे से क्या चार्ज किया? जीएसटी चार्ज किया। गवर्नमेंट ने मेरे से आगे क्या चार्ज किया? जीएसटी। अब मुझे क्रेडिट मिलेगा क्रेडिट नहीं मिलेगा? मिलेगा, अब मुझे मिल जाएगा। तो देखो कॉन्सेप्ट जो था वो सेम रहा, जैसे मुझे पता था ये दिक्कत थी, अब इन्होंने ऐसा कर दिया, तो मुझे ज्यादा समझ में आया या मुझे कम समझ में आया? जैसे आप सिर्फ जैसे आपने पढ़ा हुआ जीएसटी का बेनिफिट जीएसटी मिल रहा है, आपने नहीं पढ़ा कि एक्साइज का बेनिफिट पहले वैट में नहीं मिलता था, वैट का बेनिफिट एक्साइज में नहीं मिलता था, इंटर टैक्सेशन बेनिफिट नहीं था, तो आपने नहीं पढ़ा, तो आपको समझने मुश्किल हुआ होगा या मेरे को समझने मुश्किल हुआ होगा? हमें समझने में मुश्किल हुआ होगा क्योंकि आपने तो पहले मतलब वो ऐसा पढ़ा, मैंने तो उल्टा पढ़ रखा था। अच्छा जब मैंने पढ़ा था तो क्या मुझे पता थी क्या दिक्कतें हैं लॉ के अंदर? जब मैंने एक्साइज पढ़ा, जब मैंने वैट पढ़ा, तो क्या वो पढ़ते समय मुझे पता लगी थी अरे यार ये दिक्कतें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं एक्ट के अंदर, क्या मुझे पता लगी होंगी? प्रैक्टिकली मुझे पता लगा कि एक्साइज में ये दिक्कत आती है, वैट में दिक्कत आती है, सीएसटी में ये दिक्कत आती है, मुझे पता लगा था, यस मुझे पता लगा था। अच्छा जब जीएसटी आया तो जीएसटी ने उन सब दिक्कतों को खत्म किया होगा या बढ़ाया होगा? खत्म किया, तभी तो नया एक्ट आया। तो ये मेरे लिए इजी हो गया मुश्किल हो गया? इजी हो गया। तो अगर किसी ने पहले एक्साइज पढ़ रखा है, सीएसटी पढ़ रखा है, वैट पढ़ रखा है, तो उसके लिए जीएसटी पढ़ना इजी है या उसके लिए मुश्किल है? वो क्या है, इजी है मुश्किल? इजी है। हाँ इजी हुआ ना उसके लिए तो पढ़ना, क्योंकि उसको पता था पुराने में क्या दिक्कत है, क्यों नया बना उसको पता है, तो उसके लिए तो ज्यादा बेटर है। लेकिन अच्छा आपको समझना क्या है, अभी जो प्रीवियस लॉ है ये आज तो लॉ है नहीं, तो ये प्रीवियस लॉ क्या आपको हेल्प करते हैं इन रीडिंग द करंट लॉ? मतलब कैन द प्रीवियस लॉ कैन हेल्प यू इन रीडिंग द मतलब व्हेन यू रीड द प्रीवियस लॉ कैन दैट प्रीवियस लॉ हेल्प यू इन रीडिंग द न्यू लॉ इंटरप्रेटिंग द न्यू लॉ? यस सर। Yes. तो ये कौन सा एड हुआ, एक्सटर्नल एड हुआ या इंटरनल एड हुआ? एक्सटर्नल, क्योंकि वो आज लॉ नहीं है, तो प्रीवियस लॉ इज गवर्न्ड बाय विच एड? एक्सटर्नल एड। ओके आगे आते हैं हम लोग। और देखते हैं डिक्शनरी डेफिनेशन। अच्छा लेट सपोज करो या डिक्शनरी डेफिनेशन से पहले, अच्छा जैसे अगर कोई चीज क्लियर नहीं होती तो पहले आप क्या, अगर जैसे कोई डेफिनेशन हो क्लियर नहीं है तो उसे क्या कोर्ट्स क्लियर करते हैं? हाँ सर। तो वो कौन सा एड हुआ, एक्सटर्नल एड या इंटरनल एड? एक्सटर्नल। तो ये जब मैं पॉइंट लिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे लिखा यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन। फॉरेन डिसीजन मतलब, अच्छा फॉरेन डिसीजन इन द सेंस क्या बाहर के कंपनीज एक्ट के जो केसेस होंगे क्या वो इंडिया को पढ़ने में मदद करता होगा? क्या जो ये बाहर के केसेस होते होंगे क्या ये आपको इंडिया में मदद करता होगा?
पढ़ने में, इंडिया के लॉ को? यस सर। हाँ यस। अच्छा कोई मुझे कंपनीज एक्ट में क्या आपने फॉरेन के डिसीजन पढ़े हैं जो जिससे आपको मदद मिला लॉ को समझने में? हाँ सर। हाँ बॉस आप देखो ना, सोलोमन वर्सेस सोलोमन जो आया था वो तो इंडिया का था ही नहीं, वो तो सारा कहाँ का था वो? हाँ सर सब बाहर के थे। बाहर के थे तो क्या फॉरेन डिसीजन आपको हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग द करंट लॉ? यस। तो इंटरनल हुआ या एक्सटर्नल हुआ? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। अच्छा अगर आपका कोई वर्ड है जिसका डेफिनेशन लॉ में नहीं है, मतलब कहीं भी नहीं मिल रहा आपको लॉ के अंदर, तो ऑफकोर्स आप फिर क्या ढूंढ, कहाँ देखोगे आप उसको? पहले कोर्ट्स में देखोगे, कोर्ट्स में किसी कोर्ट ने डिफाइन किया नहीं किया, अगर कोर्ट्स ने भी डिफाइन नहीं किया तो फिर आप कहाँ देखोगे उसको? डिक्शनरी। डिक्शनरी। तो आप कब डिक्शनरी में वर्ड देखते हो? जब लॉ का वर्ड, जो आप लॉ पढ़ते हो आपको कुछ मीनिंग पढ़ना है तो सबसे पहले आप कहाँ देखते हो? सबसे पहले आप कहाँ देखते हो? आप सबसे पहले उसी एक्ट के अंदर देखते हो। अच्छा अगर वो वही वाला एक्ट आपको नहीं देता उसका डेफिनेशन, फिर आप कहाँ जाते हो? External. नहीं, उसके बाद आप इसके रिलेटेड लॉज पढ़ते हो, रिलेटेड लॉ समझते हो। जैसे लेट सपोज करो आपको सिक्योरिटी का डेफिनेशन है विच इज नॉट डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट, तो सिक्योरिटी का डेफिनेशन जैसे सेबी है। अच्छा क्या सेबी और कंपनीज एक्ट दोनों रिलेटेड लॉज है, मतलब दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं क्या ये दोनों लॉज? यस। तो अगर आपको कोई डेफिनेशन एक पर्टिकुलर एक्ट में नहीं मिलता तो आप उसका डेफिनेशन कहाँ ढूंढते हो? उसके रिलेटेड लॉज में ढूंढते हो। अच्छा अगर रिलेटेड लॉज में नहीं मिला फिर कहाँ ढूंढोगे उसको? फिर आप एक्सटर्नल में आते हो, फिर आप ढूंढते हो कोर्ट के डिसीजन में। अच्छा अगर कोर्ट के डिसीजन में भी नहीं मिलता फिर आप कहाँ जाते हो? डिक्शनरी। अच्छा अगर आपको डिक्शनरी में भी नहीं मिला फिर आप कहाँ जाओगे? जो जनरल मीनिंग होगा उसका, जो सब कोई पढ़ के इंटरप्रेट कर रहे होंगे, यूसेज, जैसे लोग उसको पढ़ के समझ लेते होंगे, हम लोग भी वही ले लेंगे जब डिक्शनरी में भी नहीं थे। तो यूसेज मतलब जो लोग इसको समझते हैं इस वर्ड को मार्केट में उसका वही मीनिंग ले लेंगे। तो आपको ये तीनों पॉइंट याद हो गए, नीचे वाला ऐसा मैंने ऐसे पढ़ा है आपको, मतलब तीन पॉइंट आपको मैंने बता दिया, यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन, डिक्शनरी डेफिनेशन एंड एक कौन सा पढ़ लिया हमने, यूसेज। यूसेज क्लियर हो गया ना? यूसेज मतलब जो मार्केट में लोग जिसको उसको मीनिंग को समझते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूसेज बोल देते हैं। तो मैं लिखूं क्या क्या एक्सटर्नल एड है, एक बार लिखूं आप लोग के लिए। अच्छा पहला क्या हो गया? हिस्टोरिकल सेटिंग्स, ठीक है। लॉ व्हेन फ्रेम्ड एट द टाइम ऑफ, ऐसे लिखते हैं, एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द लॉ ऑल द circumstances are recorded at the time of framing of the law, all the circumstances are recorded, meetings of the councils are recorded, parliament debates are recorded, such recordings helps to understand the law. Correct. अच्छा फिर दूसरा क्या लिखते हैं हम लोग? Previous law. Meaning the repealed law helps to interpret the current law. For example, Companies Act 1956 helps a person to understand the current Companies Act 2013. Correct. Third point. Third point क्या हो जाएगा? अच्छा सबसे पहले आप डेफिनेशन का कौन ढूंढते हो? कोर्ट्स में,
कोर्ट्स डिसीजन, इफ अ पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट और इन द रिलेटेड एक्ट्स देन डोमेस्टिक और फॉरेन कोर्ट्स डिसीजन विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द मीनिंग सच वर्ड. और एक और लाइन ऐड कर देते हैं, इफ अ पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज, मतलब वर्ड डिफाइन ही है या फिर मीनिंग इज एब्सर्ड इन लॉ, मीनिंग जो है एब्सर्ड है, देन डोमेस्टिक और फॉरेन कोर्ट डिसीजन विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सच वर्ड, और मतलब उसको मीनिंग को समझा देंगे या उस पर्टिकुलर मीनिंग को सर्टन कर देंगे. मेक द मीनिंग ऑफ सच लॉ सर्टेन, करेक्ट. अच्छा, उसके बाद कोर्ट्स के डिसीजन के बाद डिक्शनरी. इफ मीनिंग of the word is not defined in the act or related acts or no and neither by the courts, then dictionary डिक्शनरी की स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या मैंने, डिक्शनरी मीनिंग शैल अप्लाई. फिर यूजेज, इन केस द मीनिंग ऑफ वर्ड इज नॉट इवन in the dictionary, then the word should be given a popular meaning. How clear हो गया, नहीं हो गया? कोई डाउट है तो बताओ. इसमें एक पॉइंट है, वो मत याद करना, वो छोड़ना छोड़ देना, ये अर्लियर एंड लेटर एक्ट्स ये मत पढ़ना, ये प्रीवियस लॉ का ही पार्ट है, तो इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखवाया आपको. सर वो दिखाइए.
लिख लिया आप लोगों ने? लास्ट लाइन है सर। ओके खत्म करें चैप्टर को। हाँ सर। ओके तो ये बेसिक सी बातें हैं, मतलब ये अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि हमने ये जनरल क्लॉज एक्ट में पढ़ रखा है, स्टैट्यूट का मीनिंग दे रखा है, स्टैट्यूट लॉ ही होता है। कॉमन मैन अंडरस्टैंड स्टैट्यूट एज लॉ रेगुलेशन, बिना ये समझे कहाँ से बनता है। तो स्टैट्यूट को अगर आपको समझना है तो आपको पूरा समझना पड़ेगा, पूरा इन द सेंस जैसे हमने भी पढ़ा, मतलब आपको उसका हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आपको उसका मतलब आपको एक लॉ समझना है, एक स्टैट्यूट समझना है, तो यू हैव टू रीड एवरीथिंग, वो लॉ क्या है, उसका हिस्ट्री क्या था, कोर्ट्स के डिसीजन क्या है। तो आप कभी भी लॉ को आइसोलेशन में नहीं पढ़ते, उसको सबको मिला के पढ़ते हो तो जाके आपको लॉ समझ में आता, नहीं तो लॉ समझ में नहीं आता। तो जैसे हमारे इंडिया में ऑफकोर्स जो स्टैट्यूट्स बनाता है वो कौन बनाता है, हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कौन है पूरे इंडिया में लॉ बनाने का, दैट इज विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट। उसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये भी डेफिनेशन आप हमने जनरल क्लॉज एक्ट में पढ़ी थी, ये डेफिनेशन है, इसको फिर तोड़ के नीचे चार पार्ट में बना रखा है। वैसे बहुत सिंपल डेफिनेशन है, डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी ऐसा मैटर, मैटर मतलब मैटर इन द सेंस मैटर इज कोई भी बात जो कि एक्सप्रेस होती है, डिस्क्राइब होती है अपॉन एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब किस पे आप लिखते हो, लेटर से लिखते हो, फिगर से लिखते हो, मार्क से लिखते हो,
या फिर इनको सबको मिला के लिखते हो, और आप क्यों करते हो, ताकि आप इसे क्या कर सको, यूज कर सको फ्यूचर में, और आप उसको रिकॉर्ड कर सको. तो दिस इज अवॉट अ डॉक्यूमेंट. जैसे ये जो जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, कि ये मेरे डॉक्यूमेंट है. यस, क्यों? क्योंकि इसमें एक मैटर एक्सप्रेस है, और किस फॉर्म में एक्सप्रेस है, अपॉन एनी सब्सटेंस, मीनिंग किसी फैक्ट्स पे. मतलब ये जो मैटर है, किसी ये जो बातें हैं, ये किसी फैक्ट से रिलेटेड बातें हैं, किसी फैक्ट में फैक्ट्स की बातें हैं इसके अंदर, जो कि लेटर से लिखी गई हैं, फिगर से भी लिखी गई हैं, मैंने कहीं कहीं मार्क्स भी यूज करे हैं. और ये मैंने लिखा क्यों है, ताकि इसको रिकॉर्ड कर सके, बाद में दोबारा दोबारा पढ़ सके. तो इसी बुक को, या कोई भी बुक होती है, कुछ भी होता है, उन सब चीजों को आप लोग क्या बोलते हो बेटा, यू कैन कॉल इट एज व्हाट, अ डॉक्यूमेंट. अब क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो इट इज अ डॉक्यूमेंट. ये याद करना, यू हैव टू लर्न दिस, है ना. तो अगर मैं इसको, आप अगर चाहो तो मैं इसको अपने नोट्स में डाल देता हूँ, क्योंकि ये आपको रटना है. देयर कैन बी दिस डेफिनेशन आस्क इन द एग्जाम, है ना. तो यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट क्योंकि ये तो लॉ नहीं है, तो दिस इज डिफाइंड बाय द डॉक्यूमेंट, डिफाइंड बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. तो व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट, इज डॉक्यूमेंट मीनिंग कोई भी ऐसा मैटर जो एक्सप्रेस होता है अपॉन एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब फैक्ट्स, कुछ मीन्स से होता है, मीन्स मीनिंग इट कुड बी बाय लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स. और क्यों करते हो, ताकि इसको आप फ्यूचर में क्या कर सको, यूज कर सको, और ये आप पर्टिकुलरली रिकॉर्ड कर सको उस मैटर को. इसलिए आप क्या प्रिपेयर करते हो, यू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट. तो कोई भी ऐसा मैटर, जो कोई भी ऐसी बात जो किसी तथ्य पे बेस्ड, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बेस्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में, व्हाट यू कॉल बेस्ड ऑन एनी फैक्ट्स, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, व्हाट यू कॉल दिस इन हिंदी, आधार. तथ्यों के आधार पे, क्या क्या सही बोला तुमने महिमा. तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, मीनिंग डॉक्यूमेंट मतलब ऐसा कोई मैटर जो किसी क्या था, जो किसी तथ्यों के आधार पे बना है, और जो बना है किसी लेटर से, फिगर से, और क्यों बना है, ताकि आप इसको यूज कर सको और आप इसको रिकॉर्ड कर सको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज व्हाट, अ डॉक्यूमेंट. करेक्ट, और डेफिनेशन क्लियर है ना डॉक्यूमेंट की? हाँ सर. अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन है इंस्ट्रूमेंट की, ये भी याद करना है आपको. मैं इसको भी नोट्स में ही लिख देता हूँ. अच्छा, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट मीनिंग होता है, ये भी 2 clause 14 में डिफाइन है ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट. अच्छा, इंस्ट्रूमेंट तो आपने पढ़ा भी था शायद, मैंने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ाया, तब भी समझाया था इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या होता है. हर इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट है, every instrument is a document, but every document is not an instrument. Document बहुत ज़्यादा बड़ा word है, तो इसलिए कोई भी instrument होता है, कोई ऐसा document जो किसी के right या किसी की liability create करता है. तो जो आप BR बनाते हो या check बनाते हो, तो क्या वो किसी का right या किसी की liability create कर रहा है? हाँ सर. Correct. जैसे check में एक liability होता है, जो drawer होता है उसका liability होता है, और उसका primary liability होता है, उसका कंडीशनल लाइबिलिटी होती है बैंकर की, और जिसको जिसका पे का नाम लगता है उसका राइट क्रिएट होता है उससे. तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे किसी का राइट या लाइबिलिटी क्रिएट होती है, या वो ट्रांसफर होती है, या एक्सटेंड होती है, या एक्सटिंग्विश खत्म होती है, या रिकॉर्ड होती है, तो उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वी कॉल दिस एज व्हाट, इंस्ट्रूमेंट. तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा डेफिनेशन, तो इसलिए मैं इसको अलग से नोट्स में डाल देते हैं. तो सेक्शन 214 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट डिफाइन करता है इंस्ट्रूमेंट का. इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, तो ऑफकोर्स इंस्ट्रूमेंट भी एक डॉक्यूमेंट ही है, तो एवरी इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट. लेकिन ऐसा डॉक्यूमेंट जो राइट और लायबिलिटी को
क्रिएट करता है, ट्रांसफर करता है, एक्सटेंड करता है, एक्सटिंग्विश करता है, उसे क्या करता है, रिकॉर्ड करता है. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज डॉक्यूमेंट, सॉरी इंस्ट्रूमेंट. आपको समझ में आया यहां तक? ओके. ओके, नेक्स्ट आ रहा है इंटरप्रिटेशन. ये तो आपको पता है, इंटरप्रिटेशन मतलब रियल मीनिंग देना एक्ट का. जो लिखा है सिर्फ उसको मत पढ़ना, जो रियल मीनिंग एक्ट को देते हो आप, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन. मतलब जब आप इंटेंशन समझते हो लॉ मेकर्स का, सोचते हो ऐसा लॉ क्यों बनाऊंगा, मतलब जब आप उसे पढ़ते हो सोचते हो ऐसा लॉ क्यों बनाऊंगा यार, ऐसा क्यों हुआ होगा यार, क्या मतलब है इसका, क्यों लिखा है ये, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन. करेक्ट. अभी जो इंटरप्रिटेशन होती है इसका क्लासिफिकेशन है. क्लासिफिकेशन मतलब इसके पार्ट्स हैं, एक होता है लीगल इंटरप्रिटेशन, एक होता है डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन. डॉक्ट्रिनल मीनिंग तो आपने पढ़ रखा है, जैसे डॉक्ट्रिन्स बनती हैं. डॉक्ट्रिन्स क्यों बनती हैं, कभी कभी जो लॉज होते हैं, जैसे आपको पता होगा डॉक्ट्रिन आपने पढ़ रखी कम्युनिस्ट एक्ट में, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोनाइजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स, मतलब कभी कभी कुछ ऐसा चीजें हो जाती हैं जिसके लिए अलग से प्रिंसिपल बनाने पड़ जाते हैं लॉ को, कोर्ट को, कोर्ट बनाता है लॉ नहीं बनाता, ये बात है. तो कोर्ट कभी कभी चीजों को इंटरप्रेट करने के लिए डॉक्ट्रिन्स बना देता है. करेक्ट. तो लीगल तो सिंपल ही हो गया, जो लॉ लिखा है आप उसको इंटरप्रेट करते हो. लीगल भी करने का दो तरीका है, एक ऑथेंटिक एक है यूजुअल. ऑथेंटिक मीनिंग जो जिसने लॉ बनाया उसको समझो, मतलब ऑथेंटिक ऑथेंटिकली पढ़ना मीनिंग जिसने बनाया है उसके हिसाब से समझो. यूजुअल मतलब सर्कमस्टांस थे उसके हिसाब से उसको समझो. अब क्लियर हुआ? ऑथेंटिक मतलब किसके हिसाब से समझो लॉ को, जिसने बनाया उसके हिसाब से समझो. यूजुअल मतलब उस समय जो सर्कमस्टांस थे उसके हिसाब से समझो, तो उसको बोलते हैं यूजुअल. और डॉक्ट्रिनल तो मैंने आपको बता दिया, जो जैसे डॉक्ट्रिन्स बनती हैं ऑफकोर्स लॉ को हेल्प करता है ये आगे समझने में. तो डॉक्ट्रिनल भी दो तरह का होता है, एक होता है ग्रामेटिकल एक होता है लॉजिकल. ग्रामेटिकल मतलब जो लिखा है उसको एज इट इज पढ़ दो, ऑर्डिनरी रूल्स हैं जो समझ में आता है उसको उसी तरह समझ लो. लॉजिकल मतलब आप जब बाहर जाते हो, मतलब जो लिखा है उससे बाहर जाके सोचते हो उसे बोलते हैं लॉजिकल. मतलब जो आप जब लिख, वही वाली बात, ग्रामेटिकल इज एज इक्वल टू लिटरल कंस्ट्रक्शन, और लॉजिकल मतलब रीजनेबल, मतलब आप या रीजनेबल या बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन. तो जो लिखा है उससे मत जाओ, ज्यादा सोचो, तो वो क्या होता है, लॉजिकल हो जाता है. तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करूं, इंटरप्रिटेशन पहले वो लीगल, लीगल में दो आए ऑथेंटिक एंड यूजुअल. ऑथेंटिक मीनिंग किसके हिसाब से लॉ को पढ़ो, जिसने बनाया है, जो लेजिस्लेटर है उसके हिसाब से पढ़ लो. यूजुअल मतलब उस समय जो सर्कमस्टांस थे, कस्टम थे, रीति रिवाज थे, उसको उसके हिसाब से समझो. डॉक्ट्रिनल भी दो टाइप का हो गया, एक हो गया ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल मीनिंग वही जो लिखा है उसको एज इट इज पढ़ दो, और लॉजिकल मतलब जो लिखा है ठीक है लिखा है, लेकिन उसे एक्स्ट्रा का सोचना पड़ रहा है वो भी सोचो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल. ओके. एंड लास्ट टॉपिक आ जाता है इंटरप्रिटेशन वर्सेस कंस्ट्रक्शन. ये तो मैंने अभी बता दिया, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है बस लिटरली पढ़ लो, ज्यादा मत सोचो. ग्रामेटिकल मीनिंग दो, नॉर्मल सोच के चलो. और इंटरप्रिटेशन होता है कि जब आप उसको रियल मीनिंग देखते हो, उसका इंटेंशन देखते हो, अपने नए वर्ड्स ऐड करते हो, उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन जनरली. तो कंस्ट्रक्शन जनरली वर्ड यूज होता है जो लिखा है उसे पढ़ लो एज इट इज, और इंटरप्रिटेशन वर्ड यूज होता है कि जो लिखा है वो तो ठीक है बट उसे एक्स्ट्रा भी सोचना है क्या है क्या नहीं है, उन सबको हम लोग बोलते हैं इंटरप्रिटेशन. एंड उसके बाद तो सिंपल वही आ गया, रूल्स क्या होते हैं वो सब हमने पढ़ लिया. आपको समझ में आया नहीं आया चैप्टर, कुछ डाउट है इसके अंदर, मैं बता दूंगा अभी. नहीं है. तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया आज, एंड आप इसे क्वेश्चंस कर सकते हो. अब कुछ क्वेश्चंस भी डाउट आएंगे तो आप मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है? और रिगार्डिंग द नेक्स्ट क्लास, मैं आपको जल्दी से मैसेज कर दूंगा कि नेक्स्ट, अच्छा कि नेक्स्ट क्लास क्या है, हम लोग, मैं आपसे अलग अलग बात कर लूंगा. और मैं आपको नेक्स्ट, मतलब जल्दी करूंगा, संडे को ही रखते हैं हम लोग, मैं मिलूंगा आपको संडे को, क्योंकि अब हमें रिवीजन का, आपके टेस्ट का बात करना है. तो कैसे कैसे टेस्ट करना है, कैसे आपको रिवाइज करना है, वो सब हम डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आपको मतलब लॉ में प्रॉब्लम ना आए कुछ ज़्यादा. जैसे मुझे पीयूष पूछा था कि सर पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो कैसे करें, तो मैं आपसे ना अलग से बात कर लूँगा, आज ही करूँगा, कोशिश करता हूँ आज ही कर लूँगा. और
ताकि हम लोग इसको अब जैसे सिलेबस खत्म हुआ है तो अब उसको खत्म ना कर मतलब खत्म हो गया ठीक है, बट उसको हम लोग अब टेस्ट के तरह से पढ़ें ताकि आपका जो पेपर में क्वेश्चन आता है कैसे आता है क्या होता है कैसे आंसर करना है वो सब चीजें हम समझ सकें। तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा आज का टाइमिंग कि हम लोग कब दोबारा मिलेंगे और फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके सर ठीक है चलो बाय। अभी कुछ डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना ठीक है। हाँ हाँ जी दिशा सर एक बार वो शो कर दो स्क्रीन शॉट ले लूंगी। ये वाला यस सर हो गया सर। चलो ठीक है चलो बाय बाय। मैं आपको फिर मैसेज करता हूँ और बताता हूँ नेक्स्ट कब मिलते हैं ठीक है। बाय सर बाय 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 सर।